हेलो एवरीवन, इतने सारे वीडियोस में हमारे पास एक पर्टिकुलर एक वर्ड आ रहा था बार बार कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तो इम्यून सिस्टम एग्जैक्टली है क्या? आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। चलिए फटाफट हम डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली जो इतने सारे वीडियोस में हम जो वर्ड पढ़ रहे थे इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम, तो एग्जैक्टली ये है क्या और इम्यूनाइजेशन क्या है? जैसा कि हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली हमारा इम्यून सिस्टम क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है और कैसे ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सो फर्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा इम्यून सिस्टम। अब बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम जो है वो एक साथ वर्क कर रहे हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम ये भी है इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। भाई एक मशीन है सपोज, उस मशीन के अंदर बहुत सारे पार्ट्स काम कर रहे हैं, बट एक प्रोटेक्टिव पार्ट भी तो होना चाहिए जो उस मशीन को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो हमारी बॉडी भी क्या है, एक तरह से एक मशीन है जो क्या कर रही है, बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ चला रही है, एक साथ बहुत सारे सिस्टम काम कर रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम के अंदर एक मेन इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो है इम्यून सिस्टम, जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर ये नहीं होगा तो हो सकता है कोई भी माइक्रोब आके किसी भी हमारे सिस्टम को खत्म कर देगा, उसको खराब कर देगा। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है। ये पूरा एक सिस्टम है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। किससे? तो माइक्रोब से, फॉरेन बॉडीज से हमें प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे ताकि हमें कोई भी डिजीज ना हो। सो अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मतलब हमारी बॉडी जो है मल्टी सेल्यूलर है भाई। अब मल्टी सेल्यूलर है तो कोई भी नेटवर्क जो है वो सिंपल कैसे हो सकता है, जब बहुत सारे सेल्स बहुत सारे टिश्यूज काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्गेन काम कर रहे हैं, तो फिर वो पूरा सिंपल कैसे हो सकता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स टिश्यूज ऑर्गेन्स एंड द सब्सटेंसेस दे मेक, मतलब जो हमारी बॉडी के सेल्स है टिश्यूज है ऑर्गेन है और इनसे जो भी सब्सटेंसेस बनते हैं उन सबका एक पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, जाल है। सिर्फ एक सेल इम्यून सिस्टम में नहीं है, सिर्फ एक टिश्यू इम्यून सिस्टम में नहीं है, ओनली एक ऑर्गेन नहीं है, जबकि ये पूरा का पूरा जाल है इन सबका। दैट हेल्प्स द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज इज कॉल्ड इम्यून सिस्टम, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है और हमारी बॉडी में आने वाली डिजीज से फाइट करता है। सो दैट कि हमें कोई डिजीज ना हो, कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में आके अटैक ना कर पाए, इसके लिए कौन वर्क करता है, इम्यून सिस्टम। अब ये क्या हो गया, एक तरह से ये क्या है, ये सोल्जर है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने वाला क्या हो गया, हमारी बॉडी का सोल्जर हो गया। अगर सपोज एक सोल्जर ही वीक है तो क्या हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक है तो हमारी बॉडी डिजीज से प्रोटेक्टेड नहीं रह सकती, और अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है मतलब कोई भी डिजीज आ जाए हम आराम से उससे बच के निकल जाएंगे, हमारी बॉडी जो है वो उससे फाइट कर लेगी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उससे फाइट कर लेगा। चलिए सो इम्यून सिस्टम के अंदर देखो कौन कौन सी चीजें आ रही है, तो ये इतनी सारी पार्ट्स जो इतने सारे पार्ट्स है हमारी बॉडी के, ये सब किसमें आ रहे हैं, इम्यून सिस्टम में आते हैं। और जो मेन पार्ट आता है वो होता है ब्लड के अंदर होती है WBCs। ब्लड के अंदर क्या होती है, WBCs, जो कौन सी सेल्स है, सोल्जर सेल्स है। WBCs को बोला जाता है सोल्जर सेल्स, जो क्या काम करती है, सोल्जर सेल्स हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर बन के प्रोटेक्शन का काम करती है, डिजीज से फाइट करने का काम करती है। और इनको एक और नाम दिया जाता है लिम्फोसाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी ये सारे पार्ट जो है ये हमें प्रोटेक्शन का ही काम करेंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी में डिजीज को होने से बचाएंगे, बट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, WBCs कहाँ होती है, वाइट ब्लड सेल्स। WBCs का फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। कहाँ होती है, तो ये हमारे ब्लड के अंदर होती है, ब्लड के अंदर WBCs है, वाइट कलर के, भाई वाइट ब्लड सेल्स है तो वाइट कलर के ही सेल्स होंगे, कोई कलर नहीं है इनका, वाइट कलर के सेल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सोल्जर सेल्स है, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाने का काम करेंगे, माइक्रोब्स को खत्म करने का काम करेंगे। चलिए द नेक्स्ट थिंग इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ, जनरली कई बार एड्स में सुना होगा ना, अगर आप ये ले लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सो इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है और इम्यूनिटी बढ़ रही है, ये क्या हुआ, तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी। इम्यून सिस्टम तो पूरा एक सिस्टम है, बट वो जितना काम कर पा रहा है उसकी जितनी एबिलिटी है दैट इज द इम्यूनिटी। सो द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन और टॉक्सिन बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज और सेंसिटाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल का या अदर ऑर्गन्स का, अदर सेल्स का, अदर टिश्यूज का जो स्पेसिफिक एक्शन होता है, वो जो एक्शन है उससे क्या होगा,
उस एक्शन से क्या होगा, टॉक्सिन्स और जो पर्टिकुलर इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, और ये रिमूव करने की जो एबिलिटी है दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। सी, हमारा एक इम्यून सिस्टम है पूरा, बहुत सारी चीजें उसके अंदर एक साथ काम कर रही है, ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, बहुत सारे हमारे सेल्स है, अब ये सब वर्क तो कर रहे हैं, इनकी जितनी एबिलिटी है कोई काम करने की, उनकी जितनी कैपेसिटी है, जितना हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जो उनकी कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। अगर उनकी एबिलिटी कम है दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी कम है, और अगर उनकी एबिलिटी ज्यादा है मतलब हमारा इम्यूनिटी ज्यादा है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। भाई कॉमन सेंस की बात है, जिसका वर्क करने की एबिलिटी ज्यादा होती है वो स्ट्रांग होता है, जिसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी कम होती है वो थोड़ा सा वीक होता है। द सेम थिंग इज हियर कि अगर हमारी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को, इन्फेक्शंस को, डिजीज को से फाइट करने की जो एबिलिटी है अगर वो ज्यादा है दैट मीन्स हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, और अगर ये चीज़ कम है, अगर ये फाइट करने की एबिलिटी कम है दैट मीन्स हमारा इम्यूनिटी कम है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत वीक है, और वीक है तो मतलब क्या करना है, उसको स्ट्रांग बनाना है विद द फूड, हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज। चलिए, इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स आते हैं मार्केट के अंदर, आपने कई बार एड्स में देखा होगा, कोई गोली आती है, कई बार कोई सिरप आता है, कई बार ग्रीन टी के लिए ऐड आते हैं कि आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है मतलब क्या होगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा, आपके इम्यून सिस्टम में जितने सेल्स, जितने ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उन सबकी हेल्थ का वो ध्यान रखेगा, सो दैट कि वही ऑर्गन्स फिर आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखे। सो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा लेनी है, ज़्यादा इंटेक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, सो दैट कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती रहे। रेगुलरली डॉक्टर भी यही बोलते हैं आपको कि कंटिन्यूसली आपको क्या लेना है, हेल्दी फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। जंक फूड नॉट ओनली द इम्यून सिस्टम बट हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स पे इफेक्ट करता है, और वो हमारे सारे सिस्टम को ख़त्म करने का काम करता है। और वो ये क्यों करता है, जब हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे, भाई हम फूड क्यों लेते हैं, हमें फूड की रिक्वायरमेंट थोड़ी ना है, हमें न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। अगर हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी वीक हो जाएगी, सारे सिस्टम जो है वो वीक होने लग जाएंगे। तो क्या इम्यून सिस्टम वीक नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, सबसे पहले होगा। तो मतलब आपने अगर जंक फूड ले रहे हैं आप कंटिन्यूअसली, और अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स रेगुलर ले रहे हैं, अपने जंक फूड्स को हायर लेवल पे ले रखा है आपने, दैट मीन्स कि आपका बॉडी का पूरा जो सिस्टम है, जितने भी आपकी बॉडी में सिस्टम है, सब वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इम्यून सिस्टम जो है वो सबसे पहले वीक होगा, और कोई भी इन्फेक्शन जो होगा वो आपको बहुत जल्दी लगने वाला है। इसीलिए डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आपको हेल्दी फूड इनटेक करना है। हेल्दी फूड से क्या होगा, आपकी पूरी जो बॉडी है उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, और एडिक्वेट क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स मिलने से आपकी बॉडी के सारे सिस्टम जो है वो प्रॉपर फंक्शन करने लगेंगे, और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ क्या करना है, एक्सरसाइज भी करनी है, सो दैट कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती रहे। सो एक्सरसाइज करनी है, टाइमली उठना है, हाँ जल्दी सोना है और जल्दी उठना भी है, मतलब टाइमली सोना है, टाइमली उठना है, 7 to 8 hours की नींद भी कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि लेट नाइट पे सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, आराम से काम नहीं कर, थोड़ा आलस आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। जल्दी सोना है टाइम पे और जल्दी उठना भी है। उसके बाद करनी है हमें एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, जिम जाके कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, आउटडोर गेम्स खेल सकते हो। हाइजीन का ध्यान रखना है अपने, डेफिनेटली जर्म से तो बहुत दूर रहना है। उसके बाद हमारी हेल्दी डाइट आ जाती है, हेल्दी डाइट का भी ध्यान रखना है। एंड आपको देखो ये क्या है, ये इंजेक्शन किसके लिए, इंजेक्शन लेना है, वैक्सीनेशन लेना है। वैक्सीनेशन क्या है ये हम अभी डिस्कस करेंगे कि आपको वैक्सीनेशन क्या है और क्यों लेना है आपको, क्या इंपॉर्टेंस है वैक्सीनेशन की, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करेगी, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का काम करेगी, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करेगी, और जितना आपकी इम्यूनिटी जो है बूस्ट होगी उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी डिजीज से फाइट करेगी, माइक्रोब से फाइट करेगी, उनको ख़त्म कर देगी, और आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी रहेगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि मैकेनिज्म ऑफ इम्यून सिस्टम। अब हमारा इम्यून सिस्टम क्या है ये हमें पता है, इम्यूनिटी क्या है ये भी हमें पता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है, WBCs जो है वो किस तरह से वर्क करती है, बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं जो इम्यून सिस्टम में आते हैं वो सारे कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं वो, किस कब एक्टिव होते हैं, कब नॉन एक्टिव हो जाते हैं, क्या वो एनी टाइम ऐसे जागते रहते हैं, कैसे जागते रहो वो वाला सीन है क्या, 24 hours जो है आँखें खुली रख के एकदम मतलब देखते रहेंगे, अच्छा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, मतलब हम सेफ है, ऐसा कुछ नो, नॉट एट ऑल।
जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रोब एंटर करेगा तो एग्जैक्टली होगा क्या कि वो जो WBCs है या वो जो हमारा सिस्टम है पूरा का पूरा एक जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो एकदम से अलर्ट हो जाएगा। कि रेड अलर्ट पे कैसे आते हैं हम कि अच्छा जो हमारे बॉर्डर पे जब बॉर्डर के ऊपर जो हमारे सोल्जर्स काम कर रहे हैं हमारी कंट्री की बॉर्डर पे और अगर वो कहीं एनिमी उनको नजर आ रहा है या उनको जरा से भनक हो रही है कि अच्छा कोई एनिमी है जो आसपास घूम रहा है या अटैक हो सकता है तो वो एकदम से रेड अलर्ट पे आ जाता है और बहुत ध्यान से मतलब ध्यान रखते हैं कि कोई आ नहीं जाए, कोई एनिमी नहीं आना चाहिए। और अगर कोई दिखता भी है तो वो क्या करते हैं, वो उसको खत्म कर देते हैं वहीं पे, सो दैट कि वो हमारी कंट्री में एंटर नहीं हो और वो हमारी कंट्री को नुकसान भी ना पहुंचे, वहां अटैक ना करे। सो सेम थिंग इज हियर, वो सिमिलर है, ये मान के चलो कि जो बॉर्डर है वही हमारी क्या है, बॉडी है। अब बॉडी के अंदर जैसे ही कोई माइक्रोब एंटर होगा तो माइक्रोब के एंटर होते ही क्या हुआ भाई, ये एक पैथोजन है, बहुत खुश खुश नजर आ रहा है, कूद कूद के आ रहा है कि चलो ठीक है इसकी बॉडी में जाएंगे, उसको डिजीज करेंगे, डिजीज फैला देंगे इसको, तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। आफ्टर एंटरिंग द पैथोजन एग्जैक्टली हुआ क्या कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये एकदम से अलर्ट पे आ गया कि अच्छा कोई तो है जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में आई है, ऐसा कोई सेल है जो हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर से कहीं से आया है। सो ये जो इम्यून सिस्टम है इसके अंदर सबसे पहले कौन काम करेगा, WBCs काम करेगी। WBCs को हम क्या बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, बस उसका सेकेंड नेम क्या है, लिम्फोसाइट्स। WBCs का सेकेंड नेम क्या है, लिम्फोसाइट्स। सो अब ये लिम्फोसाइट्स क्या करेगी, ये एक्टिवेट होगी, गेट्स एक्टिवेटेड बाय एंट्री ऑफ पैथोजन, ये एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा भाई, ये एक्टिवेट तो हो गए, इनके पास वेपन ऑलरेडी रेडी है सब कुछ कि इसको कैसे खत्म करना है उनको पता है। सो एक्टिवेट हो गई, अब ये जाग तो गई है, उनको वो दिख भी गया कि अच्छा वो रहा हमारा पैथोजन जिसको कि हमें खत्म करना है, ये हमारी बॉडी का नहीं है, ये जाना पहचाना नहीं है, ये कहीं बाहर से आया है। तो हुआ क्या कि ये जो आपके WBC है, अब WBC भी क्या है, एक तरह की सेल है। तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स के अंदर एक सुसाइडल बैग होता है। आपको याद होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा उसको कि एग्जैक्टली एक सुसाइडल बैग होता है। सुसाइडल बैग का मतलब क्या हुआ, 9th में मतलब आपने अभी पढ़ा होगा, भाई पहले के चैप्टर्स पढ़े हैं ना बायो के, तो उन चैप्टर्स में क्या पढ़ा है आपने, उन चैप्टर्स में पढ़ा है सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर क्या है, एक है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम होता है सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग उसको क्यों बोलते हैं, बिकॉज उसके अंदर ना इस तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं एक टाइम के बाद ना उस सेल को ही खत्म कर, अगर वो बर्स्ट हो जाएगी ना वहाँ पे उसके अंदर इस सेल के अंदर, तो वो उस सेल को ही खत्म कर देंगे, उस सेल को ही खा जाएंगे, इसलिए हम उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। तो WBCs भी एक तरह की क्या है, सेल्स है। तो क्या उसके अंदर लाइसोसोम होगा, डेफिनेटली होगा। सो ये क्या है, आपकी एक WBC है जिसके अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट है। अब इसके आसपास देखो ये रेड कलर की जो आपको दिख रही है, क्या ये वायरसेस है, ये वायरस जो है इसके पास में आए, इसको दिख गए कि हाँ ये वायरस है, ये हमारी बॉडी से मिलते जुलते सेल नहीं है, ये कहीं बाहर से आए हैं जिनको हमें खत्म करना है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे पास में गए इसके, उसके बाद ये क्या करेंगे, ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करेंगे। स्यूडोपोडिया याद करो अमीबा को, जो पहले के चैप्टर्स में आपने पढ़ा है, स्यूडोपोडिया फॉर्म करेंगे। स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, फॉल्स फीट, नकली पैर जैसा स्ट्रक्चर निकालेंगे। भाई इनके पैर तो होते नहीं है, इनके सेल का शेप भी फिक्स नहीं है। सो ये पैर जैसा स्ट्रक्चर निकालेंगे, उसको हमारी बॉडी में एंटर कर लेंगे, उसको अपने अंदर ले लेंगे। WBCs वायरस को अपने अंदर ले लेगी, और वायरस को जब वो अपने अंदर लेगी तो ये जो लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स क्या करेंगे, उस वायरस को खत्म करने का काम करेंगे। लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स है वो उसको खत्म करने का काम करेंगे, तो ये इस वायरस को खत्म कर देंगे और बनाएंगे एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाने के बाद में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको वो फिर से अपने हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिमूव कर देंगे। ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ गया, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। सो एग्जैक्टली हुआ क्या, जो हमारा WBC था उसके अंदर था लाइसोसोम, इसके आसपास में क्या हुए, वायरस प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करेंगे। स्यूडोपोडिया फॉर्म करेंगे तो क्या हुआ, वायरस को इन्होंने जकड़ लिया। वायरस भले ही भागने की कोशिश कर रहा है बट ये भागने नहीं दे रहे उसको, उन्होंने उस वायरस को ले लिया, एंटर करवा दिया अपने अंदर। अब WBC से जब अपने अंदर उस वायरस को लिया तो जो लाइसोसोम्स प्रेजेंट थे उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया, और वो लाइसोसोम जो है उनके अंदर जो एंजाइम्स थे उन्होंने क्या किया, उस वायरस को ख़त्म कर दिया। उस वायरस को ख़त्म करते ही क्या हुआ, एंटीबॉडी बना दी, और जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको फिर से ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिमूव कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ चला जाएगा, हमारी बॉडी से रिमूव हो जाएगा। सो चलिए
ये क्या था, ये WBC का पूरा मैकेनिज्म है। WBC इन द सेंस हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका ये मैकेनिज्म है कि इस तरह से जो होता है वो माइक्रोब्स को ख़त्म किया जाता है, पैथोजेंस को हमारी बॉडी से रिमूव किया जाता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज इम्यूनाइजेशन। नाउ यू नो वेरी वेल कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या है और किस तरह से ये इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी पे वर्क कर रही है। सो द नेक्स्ट थिंग जो आपको पढ़नी है वो है इम्यूनाइजेशन। एग्जैक्टली इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन क्या होगा, इसको अगर छोड़े तो इम्यूनाइजेशन क्या होगा भाई। इम्यून सिस्टम हमने पढ़ा, इम्यूनिटी हमने पढ़ी, तो इम्यूनाइजेशन क्या हुआ, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना इज द इम्यूनाइजेशन। क्लियर है, हमारे इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट कर रहे हैं, उसको हम स्ट्रांग बना रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या है, इम्यूनाइजेशन है। हाँ, हमारी बॉडी के अंदर WBC को रेडी कर रहे हैं कि भाई कोई भी पैथोजन आएगा तो ये पक्का उनको मार देगा। हमारे इम्यून सिस्टम को हम स्ट्रांग बना रहे हैं कि भाई कैसा भी पैथोजन कितना भी स्ट्रांग क्यों नहीं आ जाए, बट आप उसको ख़त्म करने में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। दैट मीन्स कि ये प्रोसेस क्या है, ये इम्यूनाइजेशन है। सो अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन जो है वो डिफरेंट चीज़ है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट मैं आपको यही पढ़ाने वाली हूँ कि वैक्सीनेशन क्या है। सो वैक्सीनेशन के बाद अगर हमारी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है डिजीज से, दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने इम्यूनाइजेशन किया। हमारे WBCs को उन बैक्टीरियाज के बारे में, उन पैथोजेंस के बारे में नहीं पता था, बट हमने उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि भाई देख ये ऐसा कुछ हो सकता है, ये देख इस तरह का कोई स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी में आ सकता है जिसको कि आपको ख़त्म करना है। तो हमारी इम्यूनिटी क्या हो गई, बूस्ट हो गई। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्मार्ट बन गया, तो वो जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होगा तो वो डेफिनेटली उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये क्या था, ये इम्यूनाइजेशन था। इवन अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हो। आप अगर हेल्दी फूड इंटेक कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप इम्यूनाइजेशन कर रहे हो अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाकर। सो दिस टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विद वैक्सीनेशन और इनोकुलेशन। अब होता क्या है, इम्यूनाइजेशन को ही हम वैक्सीनेशन बोल देते हैं या हम इनोकुलेशन बोल देते हैं, बट दोनों ही चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है, कौन क्या है, ये हम अभी आपको बताते हैं। चलो पहले हम देख लेते हैं वैक्सीनेशन क्या है, उसके बाद हम देखेंगे दोनों का डिफरेंस क्या है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे सेपरेट होती है। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन इज द इंजेक्शन ऑफ अ डेड और वीकन ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। अब बेसिकली होता क्या है भाई, अगर आपको डेफिनेशन नहीं समझ आ रहा तो हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज़ को समझना है, हमें वर्ड्स पे नहीं जाना है। सो वैक्सीनेशन इज द इंजेक्शन। तो वैक्सीनेशन क्या हुआ, इंजेक्शन हुआ। किसका इंजेक्शन हुआ, ऑफ अ डेड और वीकेंड ऑर्गेनिज्म, किसी डेड और वीकेंड ऑर्गेनिज्म का इंजेक्शन है ये। मतलब इस इंजेक्शन के अंदर क्या फिल है, इसके अंदर डेड और वीकेंड ऑर्गेनिज्म फिल है दैट फॉर्म्स इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी। ये क्या फॉर्म करेंगे, ये इम्यूनिटी को फॉर्म करेंगे। इम्यूनिटी को फॉर्म कर रहे हैं मतलब हम क्या करवा रहे हैं, हम इम्यूनाइजेशन करवा रहे हैं। सो होगा क्या कि हमारे, आपने सुना होगा कि टीका लगवाना है, टीकाकरण करवाना है, ये सुना है ना, तो यही तो वैक्सीनेशन है। और एग्जैक्टली ये कब लगाया जाता है, वैक्सीनेशन हमें कब लगाई जाती है, बचपन में लगाई जाती है। पोलियो की वैक्सीनेशन होती है, बहुत सारी वैक्सीनेशन जो होती है वो बचपन में लगाई जाती है, और अभी रिसेंट जो हमने लगाई है वो COVID-19 की वैक्सीनेशन लगाई है। और आपको पता होगा एग्जैक्टली वैक्सीनेशन है क्या। सो होता क्या है कि ये जो इंजेक्शन है, आपको वैक्सीनेशन के नाम पे एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे हम सब डरते हैं, बट उस इंजेक्शन के अंदर होता क्या है कि जिस वायरस के लिए, जिस ऑर्गेनिज्म के लिए हमें प्रोटेक्ट होना है, उस ऑर्गेनिज्म के डेड और जो वीकेंड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसके अंदर भर दिए जाते हैं। मतलब जो आपने COVID-19 की वैक्सीनेशन ली है ना, उस वैक्सीनेशन में क्या था, उस इंजेक्शन में क्या था, COVID-19 के वो वायरस ही था और कुछ नहीं था उसके अंदर, वो वायरस ही था, लेकिन वो डेड और वीकेंड वायरस था जो आपकी बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकता। भाई वो खुद ही वीक है, इतना वीक है कि वो आपकी बॉडी को कैसे इफेक्ट करेगा। और वही सेम चीज़ अगर वो डेड है तो भी वो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर सकता। तो हुआ क्या, आपकी बॉडी के अंदर जब वो ऑर्गेनिज्म गया, जब वो COVID-19 का वायरस आपकी बॉडी में गया, तो क्या हुआ, जाते ही हमारी WBCs एक्टिवेट हो गई कि अच्छा कोई तो फॉरेन बॉडी आई है। अब WBCs एक्टिवेट हो गई, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो उसके लिए वेपन रेडी करेगा कि भाई इसको ख़त्म कैसे करना है। डायरेक्टली वो ख़त्म नहीं हो रहा है तो उसको ख़त्म कैसे करना है, तो वो सोचेगा। और जब तक वो सोचेगा तब तक क्या हुआ था, हमें थोड़ा सा फीवर हुआ था, थोड़ा सा बॉडी पेन भी हुआ था, बट वो थोड़े टाइम तक ही रहा था। क्यों, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म था, वो जो वायरस था, वो वीक था, वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो वो बहुत माइनर से इफेक्ट दे पाया हमें।
तब तक हमारी WBC ने क्या किया, हमारा इम्यून सिस्टम ने क्या किया, बहुत जल्दी उसके लिए वेपन रेडी कर लिया, और जैसे ही उसने वेपन रेडी किया उसको जाके खत्म कर दिया। और जब उसको खत्म किया उसने, अब सोचो सपोज हमारे सोल्जर्स को पता है कि अच्छा ये वाली आर्मी आएगी ना तो उसको बंदूक से नहीं मारना है, उसको तो तोप से ही उड़ाना है सीधा, ठीक है। अब अगर वो नेक्स्ट आर्मी फिर से अगर आती है, चाहे वो कितने भी टाइम बाद आए, तो हमारे सोल्जर्स को पता है ना कि पहले हमने इसको तोप से उड़ाया था, ये बंदूकों से मारने वाले नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो फिर से तोप लेके आएगी, उसको खत्म कर देगी, ठीक है। तो यही सेम चीज हमारे बॉडी के अंदर हुई कि जो COVID-19 का वायरस हमने इसकी बॉडी में इंजेक्ट करवाया, तो क्या हुआ, इसकी बॉडी को पता चल गया कि अच्छा ये वायरस आता है तो इसको ऐसे नहीं खत्म होगा, ये इसको तो, ये तो लातों की भूते बातों से नहीं मानेंगे, तो इनको तो खत्म करने का अलग से एक वेपन बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बना लिया। अब बनाने के बाद क्या हुआ, सपोज अगर गलती से COVID-19 का वायरस सच में हमारी बॉडी में आ गया, जो वीक नहीं है जो स्ट्रांग है, तो हमारी WBC को पता है कि इसको कैसे खत्म करना है, इसलिए क्या होगा, वो उस वायरस को, उस माइक्रोब को हमारी बॉडी पर अटैक करने का मौका ही नहीं देंगी, उससे पहले ही वो उसको खत्म कर देगी जाके कि बेटा तो रुक, तू बातों से नहीं मानेगा ना तो कोई बात नहीं, हम तोप ले आएंगे और उससे आपको खत्म कर देंगे। तो क्या हुआ, हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन से क्या हो गया, हमें जब नेक्स्ट टाइम उस वायरस का पाला, वायरस से हमारी बॉडी का पाला पड़ा, तो हमारी बॉडी को वो डिजीज हुई ही नहीं। क्यों नहीं हुई, बिकॉज हमारा इम्यूनाइजेशन स्ट्रांग था, हमारा इम्यून सिस्टम था वो बहुत स्ट्रांग था, हमारा ऑलरेडी इम्यूनाइजेशन हो रखा था, हमें पता था, हमारी बॉडी को ये सब पता था कि किस तरह से उससे फाइट करना है। तो ये क्या है, ये वैक्सीनेशन का प्रोसेस होता है। तो जो इंजेक्शन दिया जाता है ना, उससे डरना नहीं है, उसको लेना है वैक्सीनेशन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा, ये आपकी बॉडी को बताएगा कि भाई ऐसा वायरस अगर आए ना तो उससे डरना नहीं है, उससे भिड़ जाना है और उसको मार देना है। चलो द नेक्स्ट थिंग इज कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन में डिफरेंस क्या है। अब हमने बोला वैक्सीनेशन हुआ तो भी क्या हुआ, हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो गया। अब इम्यूनाइजेशन हुआ तो भी तो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली। तो सो वैक्सीनेशन का क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग अ वीकेंड डीएक्टिवेटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इनटू अ पर्सन। सिंपल है भाई, वैक्सीनेशन क्या है, हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, वो वैक्सीनेशन है। सीरियसली नो, इंजेक्शन कौन सा लगाएंगे हम, जिसके अंदर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स है, किसी पर्टिकुलर एक डिजीज को कॉज करने वाले माइक्रोब्स या पैथोजेंस है या वो वायरस है। तो उससे क्या होगा कि वैक्सीनेशन के बाद में हमारी बॉडी को पता चल जाएगा, हमने हमारी बॉडी को इंट्रोड्यूस करवा दिया कि भाई ऐसा जो COVID-19 वाला आया ना तो उससे डरना नहीं, मार देना उसको फटाफट। चलो इम्यूनाइजेशन क्या हुआ, द प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर द पर्सन इज एक्सपोज टू द वैक्सीन एंड द बॉडी स्टार्ट्स बिल्डिंग रेजिस्टेंस टू दैट डिजीज। अब आपका वैक्सीनेशन हो गया, ठीक है, वैक्सीनेशन हो गया तो हमारी बॉडी ने क्या किया, उस डिजीज के लिए एक रेजिस्टेंस बिल्ड कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस जो था ना, ये था आपका इम्यूनाइजेशन। भाई वैक्सीनेशन में तो क्या हुआ, इंजेक्शन लगाया, फ्री हो गया, वैक्सीनेशन हो गया आपका, ठीक है भाई। जब वैक्सीनेशन के लिए गए थे तो यही तो हुआ था, सिर्फ उसने इंजेक्शन लगाया नर्स ने, ठीक है अब घर जाओ, तो ये हमारा वैक्सीनेशन हो गया। अब मेन काम तो होता है हमारी बॉडी का, जो इम्यूनाइजेशन करेगी। आपकी बॉडी ने वैक्सीन ले ली, आपकी बॉडी में वो वायरस आ गया, अब क्या हुआ, आपकी बॉडी क्या करेगी, उसके लिए रेजिस्टेंस को बिल्डअप करेगी, उसके लिए वेपन रेडी करेगी। तो वेपन रेडी होने के बाद तक का जो प्रोसेस होता है ना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। उसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होती है, सिर्फ वो इंजेक्शन लेने से बूस्ट नहीं होती है, बॉडी को बहुत सारा काम करना पड़ता है। चलो वैक्सीनेशन डज नॉट गारंटी कंप्लीट रेजिस्टेंस टू अ डिजीज। अब जो वैक्सीनेशन होता है वो क्या करता है, वो गारंटी नहीं लेता है कि आपकी बॉडी जो है वो ठीक है, उस डिजीज के लिए रेजिस्ट हो चुकी है, वो कभी गारंटी नहीं लेगा। अगर वो माइक्रो बाई चांस डेड, हमें लग रहा है डेड है, वीक है और कुछ हो गया, तो या हमारी WBC ने उसको पहचानने से इंकार कर दिया कि ठीक है उसको एक बार मार दिया, अब हम आपकी तरह हो गए, ठीक है अब उसको छोड़ो, एक बार आप लोग क्या कर लेते हो, एक बार आपने पढ़ा, ठीक है एग्जाम दे दिया, नेक्स्ट डे आपको याद रहता है क्या, कुछ नहीं याद रहता ना। तो वैसे हमारी WBC से भूल जाती है कभी कभी, उसकी भी मेमोरी क्या है ना, शार्प नहीं है, क्योंकि बादाम नहीं खिलाते हो ना आप लोग, इसलिए। सो अगर वो भूल जाती है WBC कि वो पैथोजन जो है वो नेक्स्ट टाइम अगर आएगा तो इस वेपन से मारना है, तो क्या हुआ, वैक्सीनेशन कभी भी गारंटी नहीं लेता है कि आपकी बॉडी को वो डिजीज नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। बट कंप्लीट इम्यूनिटी अकर्स व्हेन द पर्सन फुल्ली रिकवर्स फ्रॉम द डिजीज। कंप्लीट इम्यूनिटी आपकी कब बन जाती है, जब वो पर्सन उस डिजीज से पूरा का पूरा रिकवर हो जाता है। दैट मीन्स कि उसके बाद आपका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होता है, सिर्फ वैक्सीनेशन से आपका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। सो उसको बिल्कुल नहीं भूलना है, और ये डिफरेंस को याद रखना है, अच्छे से याद रखना है इसको, और अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको लिख के आना है।
जैसे ही पूछा जाए इम्यूनाइजेशन क्या है तो लिखना है कि ये वैक्सीनेशन से डिफरेंट है, और ये क्या है, वैक्सीन लेने के बाद में आपकी बॉडी जो है उसके लिए वेपन रेडी कर देती है, रेजिस्टेंस रेडी कर देती है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, तब हमारा इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होता है और ये गारंटेड है कि हमारी बॉडी अब उससे रिकवर हो जाएगी। बट वैक्सीनेशन इस चीज की गारंटी कभी भी नहीं लेती। सो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इम्यूनाइजेशन क्या है, डिजीज से हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्यों ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, एंड डिजीज कौन कौन सी होती है। सो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भले ही आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि हमारे आसपास में डिजीज बहुत ज्यादा फैलती है, तो हमें डिजीज से कैसे बचना है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको अच्छे से देखिएगा और हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।